नमस्कार मेरे ईटानगर के भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को फिर आज के जो कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रहा है उसका मैं लेटेस्ट अपडेट्स दे देता हूँ। अपडेट इस प्रकार है, नाहरलगन अपर एंड लोअर पुलिस कॉलोनी, उसमें 17 टेस्ट हुआ, उसमें एक पॉजिटिव निकला। 20 सेक्टर नियर मस्जिद, उसमें 16 टेस्ट किया, उसमें रिपोर्ट नील आया, कोई पॉजिटिव नहीं। राज हंस होटल के सामने, उस वहाँ पे भी कॉलोनीज पे भी टेस्टिंग हुआ, उसमें 4 टेस्ट हुआ, उसमें से 2 पॉजिटिव आया। उसके बाद डी सेक्टर एक्सटेंशन में 17 टेस्ट हुआ, उसमें नील कोई पॉजिटिव नहीं। और जी एक्सटेंशन में 14 टेस्टिंग हुआ, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया। डोकुम कॉलोनी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को भी टेस्ट किया, उसमें 198 टेस्ट हुआ, जिसमें 15 पॉजिटिव्स आया, पॉजिटिव केसेस आया। ये रहा नाहरलगन का ब्यौरा। उसमें नाहरलगन में 266 टेस्ट में से, सैंपल कलेक्शन में से 18 जो है पॉजिटिव आया है। उसके बाद ईटानगर का है, चिंपू और जोलंग तिनाली, ये दोनों मिला के इसमें आज 17 टेस्ट हुआ, उसमें से 3 पॉजिटिव आया। तो कुल मिला के नाहरलगन और ईटानगर मिला के 283 टेस्ट हुआ, जिसमें 21 पॉजिटिव केसेस आया। तो ये रहा आज का ब्यौरा। तो इसके चलते मैं आप लोगों को अपील करना चाहूँगा, मेरे ईटानगर के वासियों को, कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे और SOPs वगैरह फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वायरस जो है अभी हर जगह पे निकल गया जैसे लग रहा है। तो ये रही आपको अपडेट्स आज के बारे में। तो दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर जो करना चाहता हूँ वो है लॉकडाउन के बारे में, जो कि सरकार ने जो ऑर्डर दिया है उसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने तरफ से किस तरह मार्केट्स वगैरह को रेगुलेट करेगा उसका हमने ऑर्डर निकला। तो उसके चलते हमने ऐसा किया, आप लोग के सहूलियत के लिए वैसे ये आपको जो लॉकडाउन है 20 तारीख से लेके, जैसे आप लोगों को सबको पता है, वो लेके आपको 3 तारीख के सुबह 5 बजे तक है। तो इसके चलते हमने 20 और 21 दो दिन आप लोगों का लिए मार्केट को खोल लिया। वो इसलिए खोला कि पिछले 2 सप्ताह से पूरा बंद था, तो आप लोगों को राशन पानी का बहुत तकलीफ होगा, वो सब सोच के हमने इसको उस तरीक़ा से रेगुलेट किया। और इस पे मेरी तरफ से एक यही रिक्वेस्ट होगा कि आपको जब खोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक साथ में सब जाके इकट्ठा में मार्केट को एकदम भीड़ भाड़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करके मार्केटिंग शॉपिंग करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बीमार बहुत सा मार्केट में निकल गया है, हर जगह फैल गया। इसलिए आप लोग खुद सतर्क रहिए, SOP को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। उसके बाद में जो मास्क वगैरह मार्केट वगैरह जाते समय, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पहन के सामान वगैरह खरीदिएगा। इसलिए 2 दिन का आप लोगों को सहूलियत दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन, जैसे पकड़ लो आज 20 तारीख को जो दुकानदार है वो लोग जाएंगे बाहर, और जैसे हर मोती जाएगा साग सब्जी लेके आएगा, कल 21 को कम से कम आप खरीद के 1 सप्ताह का स्टॉकिंग कर सकता है, क्योंकि उसके बाद 1 सप्ताह का कंप्लीट लॉकडाउन है, जिसके चलते हमारा मेडिकल टीम लोगों को एक अवसर, या एक मतलब ये लॉकडाउन के समय उनको थोड़ा फ्री मूवमेंट होगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छा से कर सकता है। तो 20 और 21 जो है वो खुला खुला रहेगा मार्केट, और टाइमिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। तो इसके अंदर जितना भी दुकानदार है, बिजनेस करने वाला, और आप लोग भी जो पब्लिक है, इसके अंदर अपना कार्रवाई खत्म करना चाहिए। तो ये है। उसके बाद 22 तारीख से लेके 27 तक मार्केट और सब कुछ क्लोज रहेगा। अच्छा, ये मार्केट मतलब बेसिकली ये मार्केट जो है आपको साग सब्जी वाला, ग्रोसरी वाला मार्केट है, अदरवाइज बाकी जितना भी शॉप्स है वो बंद रहेगा। उसके बाद
28 को एक दिन के लिए खुला रहेगा। हाँ, 28 को एक दिन के लिए खुला रहेगा, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके बाद 29 से लेकर हम 3 तारीख का आप बोल सकता है कि सुबह के 5 बजे तक ये बंद रहेगा, 5 बजे के बाद खुल जाएगा। तो ये उस टाइप से हम लोग ने रेगुलेट किया है। बीच बीच में थोड़ा सा इसलिए आपने हमने आप लोगों को एक रिलैक्स, एक बीच में ओपन वगैरह इसलिए करवाया सो डेट आप अपना थोड़ा सा राशन पानी को मतलब जुगाड़ कर सकें। ये रहा आपका जो जिस तरीका से हमने लॉकडाउन पे रेगुलेट करने का ऑर्डर निकला। उसके बाद एक ये कुछ क्लेरिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दे, लोग पता नहीं हो सकता है वो लोग यही सोच रहा होगा कि कन्वॉय अलाउ करेगा या नहीं, कैसे एंट्री और एग्जिट ईटानगर से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाने को आने को मतलब किस तरीक़ा से रेगुलेट होगा वो जानना चाहेगा। तो यहाँ से कोई ऐसा है कन्वॉय हम अलाउ नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना चाहते हैं अगर ईटानगर से बाहर, तो आपको अपन अपना रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि अभी बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में, और जैसे कि हमारे एसओपी में भी लिखा है कि एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट डीसीज को कंसल्ट करके इसको रेगुलेट करेंगे। तो हो सकता है जैसे आपने हमसे पास ले भी लिया चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको वहाँ चेक गेट पे एंट्री होने ना दे। तो ये सब इनकन्वीनियंस नहीं होने के लिए पहले अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का डीसीज को आप कंसल्ट कीजिए, वहाँ का अप्रूवल या परमिशन ले लीजिए, फिर हमें अप्लाई कीजिए। जेन्युइन केस रहेगा तो हम जरूर मदद करेगा। और इस मूवमेंट पे बेसिकली ऐसा है कि जो मेडिकल इमरजेंसीज जिस टाइप का, या मेडिकल से जो रिलीज हो गया उनको जाना है उस टाइप का, उसके वजह से कुछ डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं उनका मूवमेंट है, या बहुत लोग एसेंशियल सर्विस से कनेक्टेड है उन लोगों के लिए ये सहूलियत दिया गया है। अदरवाइज नॉर्मल लोग लोग जो है लॉकडाउन को फॉलो करना है। और एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था कि जो सैनिटाइजेशन जो करना है हमें आज हमसे हमने नाहरलगन से शुरू कर दिया, मास हर सेक्टर में कॉलोनीज पे सैनिटाइजेशन करना, तो ये हम शुरू कर दिया। तो मैं पब्लिक से अपील करूँगा कि वो लोग भी हमें कोऑपरेट करें और हमारे जो सैनिटाइजेशन टीम है उनको अच्छे से काम करने दें। और रिगार्डिंग एंट्री फ्रॉम जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से हमारा यहाँ जो एंट्री करेगा, तो इस पे कोई एंटीजन टेस्ट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को पता है एंटीजन टेस्ट भी नया एसओपी से सरकार ने स्टार्ट कर दिया। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे मतलब अरुणाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर आएंगे उस पे एंटीजन टेस्ट नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो लोग आएंगे उसके ऊपर एंटीजन टेस्ट होगा। एग्जम्पशंस है जैसे पैरामिलिट्री वगैरह है वो बीआरओ वगैरह उन लोगों को नहीं है, अदर देन डेट उनका भी होगा टेस्ट, लेकिन उनको अलग तरीका से टेस्ट होगा। तो ये रहा इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के बारे में। तो आज के लिए बस ये इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग यू स्टे एट होम, बी सेफ एंड टेक प्रिकॉशन। थैंक यू वेरी मच।